हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लो कर लो बात। दोस्तों आज आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मैंने कुछ अभी पौधों की शॉपिंग की है दिवाली पे। जनरली लोग दिवाली पे पटाखे खरीदते हैं लेकिन मैंने पौधे खरीदे हैं, और इस बात को लेके मेरी बीवी भी मेरे से बहुत गुस्सा हो गई है कि आप हर बार पौधे ही खरीदते रहते हो, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि जब पौधे आएंगे तो अपने आप उनकी जगह बन जाएगी। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ ये दो सैक्यूलेंट के पौधों की। आई थिंक ये हेवर्थिया की वैरायटी है, ये ग्रीन वाली वैरायटी है। तो ये आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कि ये ग्रीन वाली वैरायटी हेवर्थिया की। तो ये मेरे को 100 रुपीज़ की मिली है, और ये थोड़ी इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है हेवर्थिया की। ये लगभग 3 से 4 इंच के पॉट में अवेलेबल हैं, तो आई गॉट दिस फॉर 100 रुपीज़। अब उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ये स्नेक प्लांट की। ये थोड़ी डिफरेंट वैरायटी थी स्नेक प्लांट की जो कि मैंने ख़रीदी है, इसे सेंसेवेरिया भी कहते हैं। तो ये लगभग मैं 6 इंच के पॉट में है और ये मेरे को 100 रुपये का पड़ा है। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ अपने फिडल लीफ प्लांट के बारे में। ये फिडल लीफ प्लांट मैंने 200 रुपीज़ में ख़रीदा है। तो इसकी हाइट भी ठीक है, लगभग 1 फीट के आसपास है। अभी मेरे को इसको रीपॉट करना है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर जाके चेक कीजिए, और उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा। अब उसके बाद करते हैं जो मैंने पौधा ख़रीदा है ये आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है फिलोडेंड्रॉन का पौधा। ये फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है, तो लगभग ये भी मेरे को 100 रुपीज़ का पड़ गया है। तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी है, तो ये अच्छा इंडोर प्लांट है जिसे आप इंडोर में रख सकते हैं। और उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ ये क्रैसुला अवाटा एक ना बहुत शुभ पौधा माना जाता है, लोग इसे अपने घर पे रखते हैं। तो मैंने ये भी ख़रीदा है, ये क्रैसुला अवाटा लगभग मेरे को 80 से 90 रुपये का पड़ा है। तो आप भी इसे अपने घर में रख सकते हैं अगर आप अपने घर में शुभ पौधे रखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा शुभ पौधा माना गया है वास्तु के हिसाब से। अब उसके बाद हम बात करते हैं ये इम्पोस्टर प्लांट की। आई थिंक इम्पोस्टर प्लांट है या पोलका डॉट, आई डोंट नो, मेरे को इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता। अगर आपको इस पौधे का एग्जैक्ट नाम पता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिख सकते हैं। ये इसकी दो वैरायटी है, कि ये रेड वाली है जिसमें रेड वेरिएशन है, और एक ये वाइट वेरिएशन है। तो ये दोनों मैंने खरीदी हैं, ये लगभग मेरे को 20 रुपये की पड़ी हैं ये दोनों। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये बटन गुलदावदी के बारे में। ये जो बटन गुलदावदी आप देख रहे हैं इसके ऊपर बहुत सारी बर्ड्स आ रही हैं, आई थिंक ये रेड कलर की का फ्लावर आएगा इसके ऊपर। तो लगभग 70-80 बर्ड्स आई हुई हैं इसके ऊपर। तो ये मेरे को लगभग पड़ा है 85 रुपीज़ का। इसके बाद मैं बात करता हूँ ये पेडिलेंथस का, जिसे बैकबोन डेविल्स बैकबोन भी कहते हैं। इसकी दो वैरायटी मैंने ख़रीदी हैं, एक ग्रीन वाली वैरायटी है और एक वेरीगेटेड वैरायटी है। इसका जो प्राइस है लगभग 30 रुपीज़ का मेरे को मिला है ये नर्सरी बैग में, तो ये भी मैंने ख़रीदा है। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ ये जाफरी के पौधे की। जाफरी का पौधा मेरे को नर्सरी से 20 रुपीज़ में पड़ा है। इसके साथ अलावा मैंने एक और पौधा ख़रीदा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो ये है गेंदे का पौधा। इसके ऊपर फूल आया हुआ था, थोड़ा सूख गया है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे को ये लाए हुए, तो दिवाली की वजह से मैं रीपॉटिंग नहीं कर पाया। इसके ऊपर लगभग वाइट कलर का गेंदा आता है। तो दोस्तों इसके अलावा मैंने एक बोगनविलिया का भी पौधा ख़रीदा है, ये चाइनीज़ वैरायटी है बोगनविलिया की। ये लगभग मेरे को 100 रुपये में पड़ा है, आई थिंक इसके ऊपर रेड कलर का फ्लावर आएगा। तो ये मिनिएचर वैरायटी है, अगर आप भी मिनिएचर वैरायटी के रखने के शौकीन हैं तो आप इसे ख़रीद सकते हैं। तो मैंने 100 रुपीज़ के का ख़रीदा है, सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ पॉट्स भी ख़रीदे हैं, अब जैसे आप ये देख रहे हैं ये 8 इंच का पॉट है, ये लगभग मेरे को 50 रुपये का पड़ा है। और ये कुछ वाइट पॉट्स हैं 12 इंचेस के, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये लगभग मेरे को 170 रुपीज़ के पड़े हैं। तो आप अगर चाहते हैं इसे आप इंडोर भी रख सकते हैं, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप ये रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने कुछ स्टोन्स भी ख़रीदे हैं, वाइट कलर के स्टोन्स ख़रीदे हैं, ये लगभग मेरे को 70 रुपये किलो मिले हैं। तो मैं 1 किलो लेके आया था, तो आपको दिखा देता हूँ कि ये स्टोन की क्वालिटी क्या है, बाद में मैं इनको देखूँगा कि इन्हें रखना कहाँ है। ये देखिए ये स्टोन्स की क्वालिटी ठीक ठाक है, तो आप अपने डेकोरेशन प्लांट्स को डेकोरेट करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और प्लांटर्स भी हैं जो मैंने ख़रीदे हैं, ये 8 इंच का प्लांटर है, लगभग 70 रुपीज़ का है, ये 50 रुपीज़ का है। इसके अलावा 12 इंचेस के प्लांटर्स हैं जो कि मैंने ख़रीदे हैं ब्लैक कलर के, ये लगभग मेरे को 70 रुपीज़ के पड़े हैं, तो बहुत इकोनॉमिकल पड़े हैं।
दोस्तों इसके अलावा मैंने कुछ मैन्योर भी खरीदी है। ये लीफ मोल्ड मैन्योर है जो कि मैंने अमेजोन से खरीदी है, लगभग 450 रुपये की मेरे को पड़ी है ये 5 kg का पैक। आप जानते ही हैं कि लीफ मोल्ड जो मैन्योर है प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है, इसे आप इंडोर आउटडोर दोनों तरह के प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये वर्मी कोलाइट भी खरीदी है, ये देखिए, ये भी आपका अगर आप वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहते हैं स्पेशली सेकुलेंट्स के लिए तो आप ये वर्मी कोलाइट भी खरीद सकते हैं, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदी है। इसके अलावा मैंने कोकोपीट का 5 kg का पैक खरीदा है अमेजोन से, तो ये पूरी ब्रिक हाई है इसे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।